बेहद बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ एक बड़ा हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो यूपी में पंचायत चुनाव की तिथि का ऐलान हाई कोर्ट के आदेश से हो गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के रुख से कोर्ट बेहद नाराज नजर आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से यह फैसला दिया गया है। हाई कोर्ट ने आयोग और सरकार को आदेश दिया है, तो उस आदेश में सरकार की तरफ उससे क्या कहा गया है, क्या दलीलें दी गई, उसके बाद हाई कोर्ट ने पंचायत की तिथि का निर्धारण कर दिया है। यानी कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वोटिंग की डेट, चुनाव की डेट का ऐलान कर दिया है। विनोद उपाध्याय की याचिका पर हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है, ऐसी जानकारी हम लोगों के पास इस वक्त आ रही है। तो 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव करा ले, हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार और चुनाव आयोग 30 अप्रैल तक हर हाल में प्रधानों के चुनाव करा ले और 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा कर ले सरकार, ये हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 15 मई तक ही ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव भी करा लिए जाएं। तो कोर्ट ने यह भी साफ रुख अख्तियार किया है कि कब किस डेट में किसका चुनाव होना है, कब तक चुनाव कराने हैं, इसको लेकर हाई कोर्ट ने साफ तौर से सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है, चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया है। तो समाचार 24 पर इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, यूपी के पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई ये खबर है। राज्य निर्वाचन आयोग के रुख पर कोर्ट की बेहद नाराजगी है। यानी कि जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान सरकार और आयोग की तरफ से नहीं किया जा रहा, उसको लेकर हाई कोर्ट नाराज है और उस हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है और निर्वाचन आयोग को यह आदेश दिया है कि पंचायत चुनावों को इन इन तिथियों में निपटा लिया जाए। तो हाई कोर्ट ने पंचायत की तिथि निर्धारित कर दी, यानी कब तक डेडलाइन चुनावों की होगी, इसको लेकर हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस तिथि तक आपको चुनाव कराने होंगे। तो अब वो डेट्स भी हम आपको बता देते हैं कि हाई कोर्ट ने कहा है कि 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव करा लिए जाएं। ये हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर जो याचिका विनोद उपाध्याय ने लगाई थी उस पर निर्णय दिया गया है। तो 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा करने के लिए हाई कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि 15 मई तक ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव करा लिए जाएं, ये भी एक डेडलाइन हाई कोर्ट की तरफ से जारी की गई है कि किस तरीके से ये चुनाव पूर्ण करा लेने चाहिए और 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव संपन्न करा लिए जाएं। तो कोर्ट ने जो चार बड़ी बातें कही है उसमें कहा है कि 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा कर लिया जाए, 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव करा लें, 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो जाएं और 15 मई तक ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कर लिए जाएं। तो हाईकोर्ट ने आयोग और सरकार को यह आदेश दिया है। विनोद उपाध्याय की याचिका पर यह आदेश दिया गया। रामवीर उपाध्याय जो पूर्व मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री, हाथरस जिले के रहने वाले हैं, सादाबाद से विधायक है, उनके भाई की याचिका पर यह आदेश हाई कोर्ट ने दिया है। आयोग और सरकार को यह आदेश दिया गया है, जिसकी कॉपी समाचार 24 के पास भी मौजूद है। तो जो सरकार लगातार त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को डिले करने का काम कर रही थी उस पर हाई कोर्ट की सख्ती साफ तौर पर नजर आ रही है और सख्ती के बाद ही हाई कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिया है, अब देखना यह होगा कि इन तिथियों तक किस तरीके से सरकार चुनाव कराती है, क्योंकि सरकार इस चुनाव को डिले कराना चाह रही थी ताकि वो अपनी पूर्ण रूप से तैयारी कर ले, अपना बूथ मैनेजमेंट कर ले। इसको लेकर ही लगातार चुनावों की डेट को पीछे खिसकाया जा रहा था, जिसको लेकर अभी तक परीक्षाओं की डेट और इनकी डेट में बीच में अड़चन थी, उसको साफ कर दिया गया है कि 17 मार्च तक आप आरक्षण का काम कर लीजिएगा, 15 मई तक ब्लॉक प्रमुख के चुनाव और 15 मई तक ही जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव करा लिए जाएं। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 15 मई तक सारे चुनाव करा लिए जाएं, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी 15 मई तक करा लिया जाए, ऐसा आदेश उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने दिया है। पंचायत चुनावों की तिथि का ऐलान हाई कोर्ट की